परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। क्या दन अच्छा जम्भीत यहाँ मैं निहाता, नीच भेड़ियों के लिए भेड़ पाल मारता और अपने दोषी सेवकों का लेखा प्रभु भर देता। आमीन। प्रभु में प्यारे माता पिता भाई बहनों एवं बच्चों, वर्तमान समय में कोरोना वायरस के कारण पूरा देश में लॉकडाउन जारी किया गया है, जिसके कारण सामूहिक आराधना बाधित हो गया है। जबकि इन दिनों हम सभी महापास काल में हैं, ऐसे समय में मैं विश्वासी भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूं। अतः आइए हम इस समय परमेश्वर का पवित्र वचन पवित्र बाइबल से मत्ती सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 को पाठ वचन के रूप में लिया गया है, जिस पर हम ध्यान करें। ऐसा लिखा गया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। यह वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस परिस्थिति में कहा जब सब तरह का सेवकाई और आश्चर्य कर्म सबों के बीच में दिखाया गया, फिर भी यीशु पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कितने लोग उन पर संदेह करने लगे, तब यह वचन उनके लिए कहा जो सचमुच में दुर्बल कमजोर लाचार और अज्ञानी है। यह वचन उनके लिए कहा जो प्रभु पर विश्वास करते और नम्र दीन होकर पश्चातापी मन से प्रभु के पास आते हैं। वह उन्हें आत्मिक और लौकिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और अगुवाई देना चाहते हैं। क्या वचन आज की वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों के लिए भी आत्मिक जीवन एवं लौकिक जीवन के लिए सुंदर आश्वासन के साथ याव को निमंत्रण देते हैं। जब हम दुख चिंता और भयपूर्ण जीवन जी रहे हैं, संसार में मनुष्य ऐसे परिस्थिति में अपनी बुद्धि शक्ति और धन के द्वारा सुख शांति और आनंद और विश्राम ढूंढता है। बहुत हद तक सफल भी हो जाता है, पर स्थायी रूप से नहीं, क्योंकि दुख अशांति भय भिन्न भिन्न रूप से आती है जो समझ से बाहर हो जाती है। थक हार कर दूसरे की ओर हाथ फैलाता है। ऐसी परिस्थिति में सहारा देने वाला संभालने वाला परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे रोहित ऐसे समय में सबों को हियाव देकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल बतलाती है कि दुख चिंता और भय का कारण पाप है और हमारे यीशु मसीह पापियों के लिए जगत में आया और पापों को अपने ऊपर लेकर पापियों को पाप से अशांत किया। यदि हम नम्र और दीन होकर प्रस्ताव के साथ प्रभु के पास आते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म को दूर करने के लिए सदा तैयार है, क्योंकि उसने सबों के पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर बलिदान हो गए। वही हमारे पापों को क्षमा करते हुए शांति और आनंद विश्राम दे सकते हैं।
विनाश की वर्तमान परिस्थिति में हम सभी विदेश से आए हुए कोरोना वायरस जो कई देशों के साथ हमारे देश में भी महामारी के रूप में फैल चुका है, वरन हमारे झारखंड में भी कितने संक्रमित हो चुके हैं। दिनांक 31 मार्च 2020 को रांची के हिंदपीढ़ी नाला रोड से मलेशिया से आई हुई 22 वर्षीय युवती का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसे रिम्स में पहुंचाया गया है, जो झारखंड में शायद पहला मामला है। इस तरह सबों के लिए चिंता और भय का कारण हो गया है। आज का यह वचन हमें ही आओ और साहस देता है। हम परमेश्वर की ओर मन लगाएं, उसके वचन और प्रतिज्ञा पर विश्वास और भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन निर्गमन 33 अध्याय 14वें पद में लिखा हुआ है, जहां कहता है, मैं आप तेरे संग चलूंगा, आप तुझे विश्राम दूंगा। भजन संहिता 91 अध्याय पद संख्या 3 में भी कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। फिर भजन संहिता 50:15 में भी कहता है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आप तू मेरी महिमा करने पाएगा। ऐसे में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सब कुछ पूरा करता आया है। बाइबल में देखते हैं कि जब जब मनुष्य के जीवन में दुख और विपत्ति आता है, तब तब परमेश्वर को पश्चातापी मन से पुकारा है, तब तब परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। जैसा कि इसराइलियों का मिस्र से कनान की यात्रा में देखते हैं, इसराइल और फिलिस्तीनियों के युद्ध में देखते हैं, निनवे नगर में नगर सहित बचाए जाने की घटना में देखते हैं, बहुत सारे बाइबल में उदाहरण है। परमेश्वर के यहां ऊंच नीच जाति और धर्म का कोई सीमा नहीं है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास और पश्चाताप के साथ प्रभु के निकट आए, आशा और भरोसा के साथ प्रार्थना करें कि हमारा परमेश्वर इस समय की महामारी कोरोना वायरस का सबों में जो भय चिंता और बोझ है उसे छुटकारा दे, ताकि पूरे देश और राज्य में अमन चैन और शांति बहाल हो। साथ ही आप सबों से निवेदन है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो सही समय पर लॉकडाउन का पहल किया गया है, जिसे एक दूसरे के संपर्क में आकर कोई संक्रमित ना हो जाए, हम लॉकडाउन का हर हालत में पहल करें। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबों को सहायता, सुरक्षा, शांति प्रदान करते हुए एक एक को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।